हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मैं अयोध्या के महाराजा श्री रामचंद्र का विशेष सेवक हूँ। कौन सी अयोध्या, कहाँ के राम? पहले तू बता क्या है तेरा नाम। अशोक वाटिका में एक ऐसा विराट विचित्र वानर घुसाया है जिसने सारी वाटिका उजाड़ डाली। वो पेड़ ऐसे तोड़ता है जैसे कोमल फूलों की डाली। ये कैसा दुस्साहस है? कौन है तू? तू कौन है? हम यहाँ के रखवाले हैं। तू नहीं जानता, ये लंका के महाराजा रावण की विशेष बगिया है। तू नहीं जानता, मैं अयोध्या के महाराजा श्री रामचंद्र का विशेष सेवक हूँ। कौन सी अयोध्या, कहाँ के राम? पहले तू बता क्या है तेरा नाम। अरे ये तो बड़ा ढीठ बंदर है, पकड़ो इसे। ये कोई ऐसा सवाना नहीं दिखाई पड़ता। चलो 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 नायक जी, जम्बू माली से कहे। सीता माता का पता तो पा लिया, अब इन असुरों के बुद्धि बल की थाप भी मिल जाएगी। मेरा आना सफल हो गया। माता तो मेरे साथ चलेंगी नहीं, पर श्री राम प्रभु को जाकर लंका का सारा भेद तो बता दूंगा। सेना नायक जी, सेना नायक जी, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए और वृक्षों को उखाड़ दिया है, और रखवालों को मसल मसल कर उसने धरती पर डाल दिया है। हाँ सेना नायक जी, वो बंदर नहीं, काल है, काल। धिक्कार है कायरो, एक बंदर ने तुम्हारे सामने सारी वाटिका उजाड़ डाली और तुम दबाकर यहां भागाए। लज्जा से डूब मरो। चलो चलते हैं और उसे पकड़कर कठोर दंड देते हैं। वो रहा, वो रहा।
बैठा है। देखिए देखिए कितना विकट है, कितना विराट है। पकड़ लो, बांध लो इसे। खींचो, और जोर से खींचो। शक्ति सामर्थ्य इस बंदर को जान से मार डालो। बाकी काम में हनुमान कौतुक करन लागे, बाकी काम में हनुमान कौतुक करन लागे। देखिए है रूप सारे राक्षस डरन लागे, देखिए है रूप सारे राक्षस डरन लागे। ऐसी हाथ लगाई, ऐसी हाथ लगाई राक्षस देने लगे दुहाई। लंका सिर पे आज उठाई श्री बजरंग है रूप सारे राक्षस डरन लागे, देखिए है रूप सारे राक्षस डरन लागे। वृक्ष उखाड़न लागे, वृक्ष उखाड़न लागे सुंदर बाग उजाड़न लागे, बड़े बड़े वीर पछाड़न लागे श्री बजरंग बली, बड़े बड़े वीर पछाड़न लागे श्री बजरंग। अरे कहा था ना आपसे, ये कोई मामूली वानर नहीं। अरे अभी तो मैं ही आया हूँ, अब मेरे स्वामी श्री राम आएंगे। जाओ जाकर सावधान कर दो अपने राजा रावण को। जाओ राम, श्री राम आएगा। किसने भरमा दिया, किसने सुना दिया उस जंगली का नाम तुझे? उसी बंदर ने महाराज। आप क्या बात कर रहे हैं नायक जम्बूमाली? राजकुमार अक्ष कुमार, अशोक वाटिका में एक ऐसा विराट विचित्र वानर घुसाया है जिसने सारी वाटिका उजाड़ डाली। वो पेड़ ऐसे तोड़ता है जैसे कोमल फूलों की डाली। वाटिका उजाड़ डाली, तो आपके पहरेदार वहां क्या कर रहे थे? और फिर इतनी सी बात के लिए आप महाराज का समय नष्ट कर रहे हैं, आप स्वयं जाकर उसे दंड क्यों नहीं देते? वही करने तो गए थे, परंतु उस वानर ने उल्टा इन्हें वाटिका से भगा दिया। महाराज मैं वहां रहता तो
तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ कि वो कोई साधारण वानर नहीं है, और ऐसा लगता है कि वो किसी गुप्त कार्य से यहाँ आया है। उसके पास कोई दैवी शक्ति है, जो उसके सामने जाएगा वो उसे जीता नहीं छोड़ेगा, उसे किसी छल से पकड़ना चाहिए। आप काय रोज ऐसी बातें कर रहे हैं? एक वानर लंका में घुस आया है और लंका में आप जैसे महाभट डर के मारे कांपते हुए राजमहल में घूम रहे हैं। धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे जीवन पर। पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दें, मैं अभी उस वानर को तुम से पकड़कर आपके सामने लाता हूँ। जाओ वत्स, परंतु उस वानर को साधारण वानर समझकर असावधानी न बरतना। वानर जाति में भी बड़े बड़े महाबली योद्धा हुए हैं, और रणनीति भी यही कहती है, शत्रु चाहे छोटा हो या बड़ा, परंतु जब भी रणभूमि में जाओ अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण करो, जिससे पहले ही हल्ले में शत्रु ठंडा हो जाए। और याद रखो, शत्रु पर दया कभी मत करो। जाओ। जो आगे चला। लंका के लोग कैसे भी हो, पर फल फूल बड़े स्वादिष्ट होते हैं। आनंद आ गया आनंद, खाए भी इतने कि प्रभु श्री राम के पास जाने तक भूख नहीं लगेगी। कई दिन की क्षुधा शांत हो गई। हुँ? हुँ? सोचा था हनुमान थोड़ा विश्राम कर, खाया पिया पचाकर विश्राम कर, पर प्रभु श्री राम के काम में विश्राम कहां। ये है वो निराला बंदर। जय श्री राम। तूने हमारी बगिया उजाड़ डाली, हमारे सैनिकों को मार डाला। मैं मारने वाला कौन, बगिया उजाड़ने वाला कौन? जो फूल खिलता है फल बनता है, डाली से टूट कर गिरता है। ओ, बंदर की जात और इतनी बड़ी बात। ओ तुच्छ वानर, तुम्हारा जीवन की डाल से टूट कर मौत के मुंह में जाने का समय आ गया है। सुस्वागतम। आप भी अपने मन की अभिलाषा पूरी कर ले श्रीमान। सैनिकों, पकड़कर बांध लो इसे। Jai Shri Ram!